ज़्यादातर गाड़ियाँ शॉर्ट चेसिस होती हैं, जो यहाँ से शॉर्ट होती है उसकी ये जो मोल्डिंग है वो यहाँ तक होती है, ठीक है। लेकिन ये लॉन्ग चेसिस है, ठीक है, तो ये 1 फीट जो है दूसरी गाड़ियों से बड़ी होती है, ठीक है, ठीक है, इसको लॉन्ग चेसिस कहा जाता है। सही हो गया। और ये फाइबर टॉप जो है ये इसका चैन बनाया हुआ है। अच्छा, ठीक है, मैंने बाद में मतलब आफ्टर मार्केट नहीं लगाया इसको। वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए एक और गाड़ी लेकर आया हूँ। मेरी बैक सीट पर आप देख सकते हैं लैंड क्रूजर RKR 1989 का मॉडल है और इसको फेसलिफ्ट कराया गया है 1994 का। तो गाड़ी के ओनर इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, इफ्तिखार भाई। इनसे हम गाड़ी के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। इनको आप जानते ही होंगे प्रीवियस वीडियो में कि एक गाड़ी का हमने रिव्यू किया था, क्रोला 1986 मॉडल का। इफ्तिखार भाई, ये बताइएगा कि इस गाड़ी की हिस्ट्री क्या है। ये गाड़ी 1989 मॉडल है, 2014 की जापनीज इम्पोर्ट है। पाकिस्तान में 90% गाड़ियाँ जो हैं वो आर्मी ऑक्शन की हैं, ठीक है, लेकिन ये गाड़ी TR इम्पोर्ट है। अच्छा, ये हमारे मानसहरा के ही किसी बंदे ने इम्पोर्ट करवाई थी, ठीक है। फर्स्ट ऑनर गाड़ी है ये, ठीक है। और इसमें मैंने कुछ चीज़ें हैं, जैसे इसका फेस लिफ्ट मैंने कराया है 89 से 1994 का, ठीक है। और उसके अलावा टायर रिम इसका मैंने आफ्टर मार्केट डाले। इंजन के बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्म करें कि इसमें कौन सा इंजन होता है। इसमें डीजल इंजन है 13 BT। अच्छा, और ये 3400 CC आता है डीजल, ठीक है। टर्बो इंजन है ये, टर्बो डीजल, सही है। ये मैनुअल ट्रांसमिशन है और ये इसका जेन्युइन इंजन है, ठीक हो गया। आपने कितना अर्सा हो गया इस गाड़ी को रखे हुए? मेरे पास कोई 1 साल से थोड़ा टाइम ऊपर हो गया इसका। अच्छा जी, मेरे पास है, ठीक है। तो एवरेज का थोड़ा सा आइडिया देंगे कि ये गाड़ी पर लीटर क्या किलोमीटर देती है? ये 13 BT जो है ये इंजन महंगा है, अगर कंपेयर किया जाए 3L इंजन डीजल के साथ, ठीक है, 1KZ के साथ, ठीक है। इसकी कंजम्पशन अगर मैं कहूँ तो ये अगर 3L एक लीटर अगर वो 10 किलोमीटर जाती है तो ये 12 किलोमीटर तक जाती है, ठीक है। एवरेज एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ जी, इसकी एवरेज दूसरे इंजन से बहुत अच्छी है, ठीक हो गया। एक्सपेंसिव इसी वजह से इसका इंजन की इसकी एवरेज अच्छी है। सही हो गया। आपने ये कितने की खरीदी थी? ये गाड़ी मैंने कोई 17,50,000 की ली थी, ठीक है। और इसमें कुछ मैकेनिकल काम था, क्योंकि जिनसे मैंने ली थी ये फर्स्ट ऑनर गाड़ी थी तो काफ़ी टाइम उनके पास खड़ी रही है, उन्होंने काम नहीं करवाया और चलाई भी नहीं थी, सही है। तो इसका सस्पेंशन मैंने कंप्लीट जो है उसको ओवरऑल करवाया है, ठीक है, ठीक है। टायर रिम इसको मैंने डलवाए हैं, फेस लिफ्ट करवाया है, ठीक है। कुछ और छोटी छोटी मॉडिफिकेशन थी वो करवाई हैं। कितना एक्सपेंस तकरीबन आ गया आपकी इसकी सारी मॉडिफिकेशन कराने पर? ये कंप्लीट इसका सस्पेंशन और जो चीज़ें वर्किंग ऑर्डर नहीं थी सारी वर्किंग ऑर्डर करने पर कोई मेरे ख्याल से कोई 3.5 से 4 लाख रुपये मेरे पास, ठीक हो गया। जिसमें कोई टायर रिम 2 लाख रुपये के मैंने लिए थे, ठीक है, और छोटी छोटी चीज़ें थी, ठीक है। गाड़ी को सेल करने का कोई इरादा है? जी, सेल कर दूंगा अगर कोई शौकीन होगा, जैसे मैंने 86 का आपको कहा कि शौकीन होगा तो ज़रूर दे दूँगा, ठीक है। क्या डिमांड कर रहे हैं आप इस गाड़ी की? मैं इस गाड़ी का फाइनल 25 ले दूँगा, ठीक है, फाइनल 25 लाख। बिल्कुल। अच्छा, रजिस्ट्रेशन कहाँ की है इस गाड़ी की? मानसहरा की रजिस्ट्रेशन है, फर्स्ट ऑनर, फर्स्ट ऑनर गाड़ी जी। और इसका टोकन जो है वो 15,000 टोकन भी कम है, ठीक है। वन ईयर का। बॉडी पर कोई टचअप्स वगैरह, कोई रीपेंटिंग वगैरह? इसमें बॉडी तो टोटल जेन्युइन है, लेकिन इसके फ्रंट जो दोनों फेंडर्स हैं ये मोल्डिंग के साथ कुछ थोड़े ऊपर छोटे छोटे डॉट्स थे उसको मैंने स्प्रे करवाया है फेंडर पर। जी, फेंडर फ्रंट के, ठीक। और गाड़ी ऑलमोस्ट जेन्युइन है, ठीक हो गया। पहले आपको गाड़ी का एक 360 वॉक अराउंड देते हैं और फिर डिटेल में बात करते हैं। ये 1989 मॉडल टोयोटा लैंड क्रूजर RKR है और फ्रंट से आप इस गाड़ी की लुक देख लें और फिर डिटेल में बात की जाएगी।
ब्लैक कलर में ये गाड़ी इस वक्त मौजूद है। फ्रंट लुक की बात करें तो LED लैंप्स इसमें लगाए गए हैं आफ्टर मार्केट, और यहाँ पर हैलोजन लैंप्स में टर्न सिग्नल का ऑप्शन है। पार्किंग लाइट्स LED में इसमें लगाई गई हैं। इसको फेसलिफ्ट कराया गया है 1994 मॉडल का, और फ्रंट पर क्रोम ग्रिल है और टोयोटा का लोगो आपको मिलेगा, और ये असिस्टेड साइड व्यू मिरर इसमें लगाया गया है जो कि ब्लैक कलर में है। इस तरफ अगर आप देखें तो आपको लैंड क्रूजर टर्बो की बैजिंग मिल जाएगी जो कि क्रोम फिनिश में है। फेंडर के ऊपर कोई टर्न सिग्नल का ऑप्शन आपको नहीं मिलता। इसका फ्रंट बम्पर जो है क्रोम फिनिश में है, मेटल का, ये कोई प्लास्टिक में नहीं दिया जाता, प्रॉपर एक मेटल का पीस लगाया गया है यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं, और ये एक्सटेंडेड फ्रंट बम्पर है। क्लीयरेंस लैंप यहाँ पर आपको इसमें मिल जाएंगे जो कि प्री इंस्टॉल्ड हैं, और इसके जो टायर्स हैं ये मॉडिफाई कराए गए हैं, बाद में इसमें अलॉय व्हील्स लगवाए गए हैं जैसा कि आप देख ही सकते हैं। क्रोम फिनिश में डोर लैचेज़ हैं जो कि प्रॉपर मेटल के होते हैं, और यहाँ पर आपको इसके डोर्स के ऊपर की होल का ऑप्शन मिल जाएगा। क्रोम फिनिश में इसके साइड व्यू मिरर्स हैं जो कि इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल्ड हैं, और यहां पर भी आपको इसमें क्लीयरेंस लैंप का ऑप्शन मिल जाएगा। पेंट कंडीशन वगैरह आप देख लें। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको और बताता चलूं, इसके फ्रंट दोनों फेंडर्स जो हैं वो किसी वजह से रीपेंट कराए गए थे फ्रेश लुक के लिए। बाकी इस गाड़ी की टोटल जो है बॉडी स्टॉक कंडीशन में है, कोई रीपेंटिंग वगैरह किसी पीस पर नहीं कराई गई। इस तरफ से भी आप इसकी लुक देख लें। इसका ये जो हार्ड टॉप है जो कि फाइबर टॉप होता है, इसका कंपनी फिटेड है। और अगर बैक साइड लुक की बात करें तो यहाँ पर रियर विंडोज़ इसकी डीफॉगर के साथ हैं। इस तरफ आपको एलेक्स टर्बो का बैज मिल जाएगा, और यहाँ पर इसका डोर लैच आपको क्रोम फिनिश में मिलेगा। तमाम लाइट्स हैलोजन लैम्प्स में हैं, और इसका रियर बम्पर जो है ये मेटल में क्रोम फिनिश में आपको मिलता है। इसमें जो चीज़ें हैं वो मैं आपको ब्रीफली समझा दूँ कि जो नॉर्मल RKR जो हम ऑक्शन की लेते हैं उसमें नहीं होती। एक तो उसमें जेन्युइन ये बम्पर नहीं आता, ठीक है। उसका बम्पर होता है ये छोटा, अच्छा, यहाँ लगा होता है। इसमें ये लॉन्ग बम्पर है, ठीक है। ये लॉन्ग बम्पर लगाने की वजह, इन गाड़ियों को इसमें जेन्युइन बेंच लगा होता है, अच्छा, कि आपकी गाड़ी कहीं मड में फंस जाती है तो आप इससे उसको निकाल सकते हैं। सही है, ठीक है, ठीक है। ये इसमें जेन्युइन लगा हुआ है जिसकी वजह से इसका बम्पर लॉन्ग है, ठीक है, ठीक है। और इस बम्पर का मैं आपको एक चीज दिखाना चाहूंगा, ये उस वेंच का जेन्युइन गियर है, ठीक है। ये आपके दो गियर्स तो ऑलरेडी लैंड क्रूजर में होते हैं, ये थर्ड वन जो है ये इस वेंच का है। सही है, कहीं मड में आपकी गाड़ी फंस जाती है, आप इस वेंच को किसी भी चीज़ के साथ, रख के साथ, गाड़ी के साथ लगा के यहाँ से गियर इसको ऑन करेंगे तो आपकी गाड़ी मड से निकल आती है। बहन भाई, जो हम RKR लेते हैं ऑक्शन की, उसको ख़ुद मॉडिफाई करते हैं, वो जो RKR आती है वो सॉफ्ट टॉप आती है, उसमें AC नहीं होता, ठीक है। तो ये गाड़ी जेन्युइन AC है, अच्छा, ठीक है। और डुअल हीटर है इसमें, ठीक हो गया। हीटर डुअल है, AC सिंगल है इसका, ठीक है, ठीक है। ये नॉर्मल RKR में आपको नहीं मिलता जी। और दूसरा, जो आप ऑक्शन की गाड़ियां लेते हैं उसमें ज़्यादातर गाड़ियां शॉर्ट चेसिस होती हैं, जो यहां से शॉर्ट होती है, उसके ये जो मोल्डिंग है वो यहां तक होती है, ठीक है। लेकिन ये लॉन्ग चेसिस है, ठीक है, तो ये 1 फीट जो है दूसरी गाड़ियों से बड़ी होती है, ठीक है, ठीक है। इसको लॉन्ग चेसिस कहा जाता है, सही हो गया। और ये फाइबर टॉप जो है ये इसका चैन बनाया हुआ है, अच्छा, ठीक है। मैंने बाद में मतलब आफ्टर मार्केट नहीं लगाया इसको। अगर इसके डोर पर ऑप्शंस की बात करें तो सिंपल प्लास्टिक में डोर लैच है, और इस तरह से एक ग्रैब हैंडल मिलेगा। और यहाँ पर अगर आप इसके डोर के ऊपर देखें तो विंडोज़ को अप एंड डाउन करने के बटन्स हैं, और एक बटन सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम के लिए दिया जाता है। इसमें 2-स्पोक पावर स्टीयरिंग व्हील का ऑप्शन है, और यहाँ पर आपको लैंड क्रूजर की बैजिंग मिल जाएगी, और लेदर की स्टिचिंग इसके स्टीयरिंग व्हील के ऊपर मिल जाएगी। उसके अलावा स्टीयरिंग व्हील की राइट साइड पर एक सर्कुलर शेप में एयर वेंट है, और नीचे अगर आप देखें तो आपको H4 का बटन मिलता है। यहाँ पर फ्यूलेट ओपनर और ट्रंक रिलीज बटन आपको मिल जाएगा। स्टीयरिंग व्हील की लेफ्ट साइड पर भी आपको एक एयर वेंट मिलेगा जो कि सर्कुलर शेप में है, और यहाँ नीचे अगर आप देखें तो आपको साइड व्यू मिरर्स के कंट्रोल्स दिए गए हैं। नीचे आपको यहाँ पर AC और हीटर के लिए कंट्रोल्स मिलते हैं, एक डिजिटल क्लॉक का ऑप्शन है, साथ ही आपको सिगरेट लाइटर के लिए यहाँ पर पावर आउटलेट दिया गया है। और इस तरफ अगर आप नीचे देखें तो ऊपर इस तरफ आपको डीफॉगर के लिए बटन दिया गया है, फॉग लैंप्स का बटन है, और विंडस्क्रीन वॉशर्स का बटन यहाँ पर आपको मिलेगा। 5-स्पीड फॉरवर्ड 1 रिवर्स मैनुअल ट्रांसमिशन है, और यहाँ पर इसका 4-व्हील ड्राइव कंट्रोल सिस्टम है। और ये वाला बेसिकली जो इसका गियर लीवर है, ये इसका जो टोइंग हुक है उसके लिए यहाँ पर आपको एक गियर लीवर दिया गया है, तो इससे आप इसके टोइंग हुक को कंट्रोल कर सकते हैं। मज़ीद यहाँ पर आपको एक ग्रैब हैंडल मिल जाएगा, और नीचे स्टोरेज कंपार्टमेंट दिया गया है। आफ्टर मार्केट सनरूफ इंस्टॉल कराया गया है, और इसकी कंडीशन वगैरह बाकी आप रूफ़ की भी देख लें। और ये फाइबर टॉप के साथ है जो कि कंपनी फिटेड होता है।
फैब्रिक सीट्स हैं और फ्रंट और बैक दोनों ही सीट्स पर आपको मैन्युअली एडजस्टेबल हेडरेस्ट का ऑप्शन मिलता है और फ्रंट सीट्स दोनों इसकी मैन्युअली एडजस्टेबल हैं। तो आप इसका इंजन देख लें, 24 वोल्ट 3400 सीसी इनलाइन 6 सिलेंडर डीजल इंजन जो कि टर्बोचार्ज्ड है इसमें इंस्टॉल है। बाकी इंजन की कंडीशन मैं आपको क्लोज करके भी दिखा देता हूँ, आप इस वीडियो में देख लें। तो ये था आज का टोयोटा लैंड क्रूजर RKR 1989 मॉडल का डिटेल्ड रिव्यू। आई होप कि आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। इस गाड़ी के बारे में आप क्या सोच रहे हैं कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह करें। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाली लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचती रहें। और इस गाड़ी के बारे में आप क्या सोच रहे हैं कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह करें। और मुझे नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।